ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन सा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान ने अपने ही कायम करदा रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और 1947 से अब तक पाकिस्तान ने इस सेक्टर में सबसे ज्यादा कितने का फिगर हासिल किया है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको शुरू किए हुए तकरीबन 9 साल मुकम्मल होने को है पाकिस्तान के कितने शहरों को आपस में मिला रहा है। नॉर्दर्न पाकिस्तान, वेस्टर्न चाइना और सेंट्रल एशिया को आपस में मिलाने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट से कुल कितने ममालिक और कितने शहरों के वासियों को फायदा हासिल होगा। सीपेक का पाकिस्तान की हलाल मीट की इंडस्ट्री पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे की कितनी ट्रेनों को अब तक प्राइवेटाइज किया जा चुका है और ये ट्रेनें पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों से चल रही हैं और इस अमल का मकसद क्या है। क्या पाकिस्तान सीपेक के मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के साथ साथ मुतादित सरकारी कारपोरेशन को भी प्राइवेटाइज करना चाह रहा है। पाकिस्तान की सनअती ग्रोथ को मुस्तहकम करने के वास्ते हुकूमत पाकिस्तान कौन से अहम इकदाम कर रहा है। क्या हुकूमत पाकिस्तान में बेलगाम ऑटो सेक्टर को काबू करने के वास्ते अहम इकदाम की तरफ बढ़ रहा है या हमेशा की तरह यह सेक्टर दूसरी हुकूमतों की तरह एक बार फिर से हुकूमत वक्त से मराहत हासिल करके अपनी मनमानी करने में कामयाब होगा। इसके अलावा और भी अहम मालूम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों को आपस में मिलाने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3 मेन हाईवेज पर मुश्तमिल है, जैसा कि सेंट्रल रूट, ईस्टर्न रूट और वेस्टर्न रूट। खुंजराब से हरिपुर के मुकाम तक कराक्रम हाईवे की शक्ल में इस प्रोजेक्ट का वो मेन हिस्सा है जो पाकिस्तान को चाइना के काशगर से मिलाता है, मगर हरिपुर के मुकाम पर से आगे ये हाईवे सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट्स की शक्ल में 3 हिस्सों में पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है, मगर आगे जाकर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में किल्लात और हजदार से चंद किलोमीटर के फासले पर सेंट्रल और वेस्टर्न रूट आपस में जा मिलते हैं। सेंट्रल और वेस्टर्न रूट जिस मुकाम पर आपस में मिल जाते हैं इस शहर का नाम बिस्मा है। बिस्मा के मुकाम से ग्वादर डीप सी पोर्ट तक ये हाईवे पंजगूर और तुरबत के मुकाम से होता हुआ ग्वादर शहर में दाखिल होता है। खंजराब से हरिपुर तक हाईवे पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात यानी आज के गिलगित बल्तिस्तान जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, गो कि ये 3 अजीम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज स्विट्जरलैंड से अपने दिलफरेब मनाजिर और रकबे दोनों के एतबार से ही कई गुना बड़ा और बेहतर है। वो पाकिस्तान के जदीद शहरों से मिलाता है। हरिपुर से थोड़े ही फासले पर बलक्सर के मुकाम पर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ईस्टर्न रूट और सेंट्रल रूट में तकसीम हो जाता है, जहाँ से सीपेक का ईस्टर्न रूट पाकिस्तान का दिल और कदीम फन तामीर और सकाफती सेंटर शहर लाहौर से होता हुआ कराची और फिर कराची से कोस्टल हाईवे के जरिए उथल के मुकाम से ग्वादर शहर में दाखिल होता है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वेस्टर्न रूट लगभग पाकिस्तान के दो अहम सूबे पिशावर और कोयटा को आपस में मिलाता है, जबकि सेंट्रल रूट बीकेपीके कोयटा और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को आपस में मिलाता है। सीपेक का ईस्टर्न रूट केपीके और बलोचिस्तान को अपनी जदीद हाईवे के जरिए आपस में मिलाता है। सीपेक का ईस्टर्न रूट पाकिस्तान के सूबे पंजाब को सूबे सिंध और सीपेक का हब सूबे बलोचिस्तान को आपस में मिलाता है। सीपेक के तहत बनने वाला ये जदीद हाईवे जहाँ पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती में मजीद निखार लाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं हर गुजरते महीने के साथ साथ पाकिस्तान को आलमी सयाहों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर भी साबित कर रहे हैं, क्योंकि जिन ममालिक में सड़कों की हालत बेहतर होती है इन ममालिक की टूरिज्म इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए बहुत कम मेहनत की जरूरत होती है। इसी वजह से सीपेक पाकिस्तान की माशी बेहतरी में अहम किरदार अदा तो कर रहा है, मगर इसकी वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज में भी मजीद बेहतरी आ रही है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हसीन और कुदरती मनाजिर जो चंद साल पहले तक दुनिया की नजरों से ओझल थे आज इन मकाम तक सालाना लाखों सयाह आते जाते हैं, क्योंकि इन मकाम तक सीपेक ने रसाई को इंतहाई आसान बनाने के साथ साथ पहले के मुकाबले में आरामदा और पुतायुश भी बना रखा है। मिसाल के तौर पर पहले अगर गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी हिस्से की हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होना हो तो सिर्फ जीप गाड़ी या घोड़ों के जरिए इन मकाम तक रसाई हासिल की जा सकती थी, मगर
मगर इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का कोई एक भी ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं है जहां छोटी सी छोटी गाड़ी के जरिए नहीं जाया जा सकता है। सवाई परिंग की वादी यानी वादी नांगा पर्वत यानी फेरी मीडोस के अलावा हम बात कर रहे थे कि सीपेक पाकिस्तान के कुल कितने शहरों से होकर गुजरता है। सीपेक तकरीबन 35 पाकिस्तान के शहरों को आपस में मिलाता है, जिनमें से वेस्टर्न रूट 14 शहरों को, सेंट्रल रूट 6 बड़े शहरों को और ईस्टर्न रूट 10 बड़े शहरों को आपस में मिलाता है। जबकि खंजराब से हरिपुर तक का कराकरम हाईवे हुंजा नगर गिलगित शहर जिला बेशाम मानसरा एटाबाद और हरिपुर जैसे तारीखी मुकामात को आपस में मिलाता है। सीपेक का ईस्टर्न रूट इस्लामाबाद, लाहौर, खानवाल, सादिकाबाद, मोरू, हैदराबाद, कराची और फिर कराची को ग्वादर से मिलाता है। जबकि सीपेक का सेंट्रल रूट इस्लामाबाद, मियांवाली, डीजी खान, राजनपुर और खोजदार को आपस में मिलाते हुए बिस्मा के मुकाम पर वेस्टर्न रूट में शामिल होता है। और सीपेक का वेस्टर्न रूट पिशावर, डीआई खान किले, सैफुल्ला, कोयटा, कल्लात और तुरत से होता हुआ ग्वादर डीप सी पोर्ट जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के सेक्टर में माशी साल 2020-21 के दौरान 1947 से आज तक किसी भी माशी साल के दौरान की जाने वाली एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किए हैं। आज से पहले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड सन 2013 में 25.1 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट करके कायम किया गया था, मगर माशी साल 2020-21 के दौरान कोरोना वायरस की वजह से मान बढ़ती माशी सरगर्मियों के बावजूद 25.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की गई है। ये फिगर पाकिस्तान ने 1947 से अब तक आज से पहले कभी भी हासिल नहीं किया था। मगर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बदौलत और बेहतर माशी पॉलिसियों की मदद से इस कामयाबी को समेटा गया है और इस बात की कभी इम्कान जाहिर की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में जब सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया दौर शुरू होगा तो बहुत जल्द पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में किया जाएगा जिनकी माशी हालत मुस्तकम है और पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को इनके जायज हुकूक के हुसूल के लिए जंग लड़ना न पड़ेगा। इन्हीं मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के सेक्टर को मजीद वसी करने के हवाले से हलाल मीट की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बाकायदा एक इदारे को कायम कर रखा है, जिसका मेन काम ये है कि पाकिस्तान से पहले मरहले में मलेशिया और अरब ममालिक तक पाकिस्तान का हलाल गोश्त पहुँचाए और इस सिलसिले में होने वाले तमाम जरूरियात को पूरा करेगी। और पिछले 2 सालों के दौरान पाकिस्तान के हलाल मीट एक्सपोर्ट के सेक्टर में तकरीबन 18% का नुमाया इजाफा देखा जा चुका है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का हिस्सा 0.3% से भी कम है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ट्रेड इफिशेंसी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया है कि पाकिस्तान रेलवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा, ताकि हुकूमती कंधों से जिम्मेदारियों की कमी के साथ साथ जरिए आमदन में भी नुमाया इजाफा हो। और अब इस सिलसिले में तकरीबन 9 ट्रेनों को इस पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, जिनसे हुकूमत पाकिस्तान अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए पूरी उम्मीद है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।